हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक चैनल में। तो दोस्तों, कभी कभी बड़ा टेक्नीशियन का जो बदनाम हो जाता है, कुछ भी रिपेयरिंग काम में ली टीवी का काम करने का बाद, तो इसी का एक बड़ा रीजन जो होता है, इसी का ऊपर ये वीडियो है। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत कुछ जो पार्ट्स मिलता है, बहुत कुछ पार्ट्स डुप्लीकेट आ गया, और डुप्लीकेट पार्ट्स कौन सा है, ओरिजिनल पार्ट्स कौन सा है, ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत टफ होता है। बट थोड़ा भी इसका ऊपर नॉलेज है तो तब भी इसी तरह जो सही से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने का बाद आप जो गलत पार्ट्स लगाया, मतलब आप डुप्लीकेट पार्ट्स लगाया, तो तब भी आपका बदनाम हो जाएगा। तो इसीलिए इसी का ऊपर ये छोटा सा टॉपिक है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होगा। क्योंकि एलजी जो सेट होते हैं, एलजी सेट का अंदर जो वर्टिकल आईसी दिखा जाता है, तो वो वर्टिकल आईसी भी ओरिजिनल मार्केट पर नहीं दिखा जाता है। और जिसका पास मार्केट का अंदर ओरिजिनल आईसी होता है, तो उसका रेट भी ज़्यादा वो बताता है, और इसीलिए वो आईसी को मॉडिफाई करके भी काम करना पड़ता है। और मार्केट का अंदर जो ईएसटी मिलता है एलजी सेट का, ठीक है, तो वो एलजी सेट का जो ईएसटी होता है वो भी बहुत डुप्लीकेट आ गया। तो इसी के ऊपर ये वीडियो है। चलिए मैं आपको वीडियो का अंदर वीडियो आपको एक रिपेयर करके देखाऊंगा। रिपेयर करते करते आपको थोड़ा बताऊंगा। तो मेरे लिए न्यू टेक्नीशियन होगा और पुराना टेक्नीशियन होगा, तो इसके ऊपर जिसका नॉलेज है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और जिसका नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा नॉलेज आप ये वीडियो से ले सकते हो। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं ये टीवी का बैक कवर ओपन करके ही रखा है। तो दोस्तों ये एलजी सीआरटी टीवी है, और ये देखिए बिल्कुल ओके चल रहा है। इसका पिक्चर भी ओके है, साउंड भी ओके है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बट ये कैबिनेट मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जिस टाइम इसका पीछे जो बैक कवर होता है, इसका कैबिनेट जब मैं टाइट कर देता हूँ, तो ईएसटी का नीचे से फायरिंग मिलता है। तो दोस्तों इसी का ये फॉल्ट है, तो इसीलिए ये जो ईएसटी को चेंज मैं करूँगा। तो ईएसटी चेंज करने का पहले आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो क्या मार्केट से कुछ भी ईएसटी लेके आएगा और लगाने का बाद हो सकता है नंबर सेम है, तब भी दोस्तों वो आज लगाए और कल भी खराब जब हो जाएगा, तो आपको दिमाग में नहीं चलेगा कि ईएसटी फॉल्ट है, कि न्यू जो ईएसटी लेके आया वो फॉल्ट है, कि अदर सेक्शन का कुछ फॉल्ट है, तो ये भी दिमाग में चलेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा नॉलेज आपको ये वीडियो के अंदर शेयर करूँगा कि दोस्तों ये जो ईएसटी नंबर भी आपको दिखाना चाहता हूँ। आप पाचा करके देखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए ये 6006M का ईएसटी है, और ये डबल वाई का, ये जो कंपनी नाम स्टिकर पर लिखा है डबल वाई का, ठीक है। तो दोस्तों ये ईएसटी मैं बहुत दिन पहले लगाया, और दोस्तों ये पुराना वाला वही सेम नंबर का ईएसटी है। आप देख सकते हो ये मेरा पास अभी है, ये सेम नंबर के ईएसटी है, और ये जो कंपनी नाम स्टिकर पर देखिए डबल वाई का, ठीक है, ये सेम नंबर का ईएसटी। तो दोस्तों ये 7 दिन चलने के बाद ईएसटी खराब हो गया, मतलब इसका नीचे से फायरिंग मिला, और फायरिंग का वजह इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो गया। और दोस्तों दूसरा बार ये जो ईएसटी मैं लगाया, आप देख सकते हो, आपको देखा है पीसीबी के अंदर जो ईएसटी है, ये ईएसटी लगाने के बाद भी ये 2 महीना हो गया, 2 महीने के बाद भी वो सेम तरह फॉल्ट आ गया, इसका नीचे से फायरिंग मिला, ठीक है। और दोस्तों ये 3rd टाइम ये टीवी का ईएसटी मैं लगाऊंगा। तो दोस्तों ये ईएसटी नंबर सेम ही है, 6006M का, और दोस्तों ये एलकॉम्पो कंपनी का, ठीक है, एलकॉम कंपनी जो अब ये स्टिकर पर लिखा देखिए। तो इसका क्वालिटी कितना अच्छा है ये आपको नहीं बताऊंगा, बट ये लगा के एक बार आपको दिखाता हूँ, आपका सामने में प्रैक्टिकली लगाऊंगा। तो इसीलिए मैं बहुत जल्दी से ये ईएसटी को ओपन करने के लिए नीडल यूज मैं करूँगा। तो दोस्तों एनिमल को इंजेक्शन देने के लिए नीडल यूज़ होता है, ठीक है, और ये नीडल से आप कुछ भी रिपीटिंग पिन जो होता है ईएसटी का ओपन करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए ये नीडल से आप ओपन करेगा तो बहुत आसानी से और जल्दी से ये ईएसटी को ओपन कर सकते हो। ऑलरेडी ये नीडल कहाँ पर मिलता है, कितना नंबर के ये नीडल है, इसका ऊपर डिटेल्स एक वीडियो बना के रखा है ईएसटी ओपन न्यू ट्रिक इसका ऊपर, तो वो वीडियो आप नहीं देखा है तो आप फिर भी देख सकते हो। तो चलिए आपको ये वीडियो के अंदर तब भी प्रैक्टिकली ये नीडल लेके ये ईएसटी को ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए ये पोजीशन को मैं थोड़ा सा स्पीड कर दिया, क्योंकि आपका टाइम मैं वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ईएसटी नंबर 6006M, पहले एक अच्छा सा ईएसटी मार्केट पर मिलता था, कि जो सैलोरा स्टिकर वाला, ठीक है दोस्तों, वो सैलोरा स्टिकर वाला अभी इसी टाइम
जिस टाइम मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो इसी टाइम मार्केट पर नहीं देखा जाता है। और दोस्तों वो सेलोरा स्टिकर वाला ईएसटी बहुत दिन तक चलता है, वो आसानी से ख़राब नहीं होता है। बट आपका सामने ही मैं जो दो ईएसटी नंबर दिखाया ये बहुत ही ख़राब रिजल्ट मिला, तो इसीलिए मैं बहुत दोस्त के साथ मैं बातचीत किया तो सबका सभी वो बताता है कि मार्केट का जो ईएसटी आया ये भी डुप्लीकेट ईएसटी है। तो दोस्तों इसके ऊपर मेरा नॉलेज नहीं है, तो आपका नॉलेज है तो आप भी कमेंट के अंदर बता सकते हो कि ये जो ईएसटी डबल वाई का ईएसटी ये ओरिजिनल है कि ये डुप्लीकेट है। और ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट आइडेंटिफाई करने के लिए क्या बताऊँगा, कुछ ट्रिक है तो आप बता सकते हो ये कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपका सामने ही मैं ईएसटी ओपन करूँगा और न्यू ईएसटी जो आपको दिखाया वो ईएसटी लगाऊँगा, और लगाने के बाद सेट ऑन होता है कि नहीं और ईएसटी काम करता है कि नहीं वो भी आपको देखाऊँगा वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हो ईएसटी को मैं ओपन किया आपका सामने ही और आपका सामने ही मैं लगाऊँगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं मैं करना चाहता हूँ, आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, ज़रूर कुछ नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये ईएसटी को अभी तक मैं ओपन नहीं किया है, ठीक है, आप देख सकते हो इसी तरह ये मार्केट से लेके आया। और चलिए कोई बात नहीं, ईएसटी को मैं यहाँ पर लगाता हूँ और लगाने के बाद इसको सोल्डरिंग सब कुछ करूँगा आपका सामने, मैं पिक्चर ट्यूब के अंदर कनेक्शन करूँगा, कनेक्शन करने के बाद एक बार पिक्चर देख के देखूँगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में आप लॉन्ग डिस्कस करना चाहते हो तो ठीक है, तो आप ये वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसका अंदर मैं एक टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप लिंक देख के रखा है। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हो, तो दोस्तों उसी सब लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख के रखा है। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि उसका अंदर मैं बहुत वीडियो का अपडेट देता हूँ, ठीक है। और जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ग्रुप लिंक क्लिक करके आप ज्वाइन होगा तो वो ग्रुप के अंदर आप ऑडियो वीडियो बहुत कुछ ऑडियो वीडियो सेंड करके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो और टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल आपको करना पड़ेगा प्ले स्टोर से व्हाट्सअप जैसा, तब आप ग्रुप पर ज्वाइन कर पाओगे, नहीं तो ज्वाइन होने के लिए प्रॉब्लम आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं ऑलरेडी वो जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप उसके अंदर 1000 का ऊपर ऑलरेडी मेंबर ज्वाइन होकर डिस्कस कर रहा है, मेरा जितना टाइम मिलता है मैं ग्रुप पर आंसर देने के लिए कोशिश करता हूँ। तभी ये जो YouTube वीडियो का कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करेगा तो आपका रिप्लाई मैं ज़रूर देने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं ये ईएसटी को ओपन करके एक बार लगाऊँगा, लगाने के बाद आपका सामने दिखाऊँगा क्या रिजल्ट आता है, ये फर्स्ट टाइम वर्क करता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा बात होता है कि ईएसटी न्यू लगाने के बाद कितना दिन चलेगा, ये सबसे बड़ा बात है, ठीक है, कितना दिन वो चलेगा। तो आपका जो इलाका होता है इलाका का आसपास इसी तरह 6006M जो ईएसटी होता है कौन सा कंपनी का ईएसटी मिलता है और कौन सा कंपनी अच्छा रिजल्ट देता है ये आपका नॉलेज है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो, क्योंकि ये वीडियो जो दोस्त देख रहे हो जरूर वो दोस्त सभी वीडियो का कमेंट बॉक्स फॉलो करेगा, और जिसका नॉलेज है कि ये ईएसटी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है तो वो आपका कमेंट देख के भी वो ईएसटी खरीद करने के लिए कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये छोटा सा मेरा उद्देश्य है कि मैं ये जो सब ईएसटी आपको लगा के देखा है डबल वाई का तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैं ये जो ईएसटी एलकॉम्पो का ईएसटी मैं लगाता हूँ तो कुछ दोस्त ने बताया कि ये मार्केट का अंदर जो ईएसटी ये कम से कम 1 साल तक चलेगा ही चलेगा। तो ठीक है कोई बात नहीं, इसीलिए मैं ईएसटी लगाता हूँ और मेरा हिसाब से आपका आसपास जो क्या बताऊँगा सेलोरा का स्टिकर वाला ईएसटी मिलेगा तो बढ़िया रिजल्ट देता है, बट अभी मार्केट पर नहीं मिल रहा है, मैं बहुत ढूंढ के देखा, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं ये सब कुछ ईएसटी कनेक्शन की एक बार सप्लाई देख के आपका सामने दिखाता हूँ क्या रिजल्ट देता है। तो दोस्तों ईएसटी को भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं सप्लाई दे दिया कुछ भी लाइट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों लाइट आ गया, मतलब ए भी लिखा स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो फोकसिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए पिक्चर देख के भी आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं ऑडियो वीडियो कनेक्शन दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो कनेक्शन दे देता हूँ, ऑडियो वीडियो मैं वीडियो कनेक्शन ही देख के दिखाता हूँ। देखिए वीडियो तो बिल्कुल ओके चल रहा है, मतलब इसका ईएसटी न्यू ईएसटी काम कर रहा है। तो चलिए तो लगता है ये टीवी को
ये न्यू एसटी लगाने के बाद कितना दिन तक ये चलेगा देखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा यही फॉल्ट है, ठीक है दोस्तों, कि ये जो न्यू ईएसटी इसका बॉडी जो नीचे से इसका फायरिंग मिलता है। तो दोस्तों इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये एलजी चेसिस का अंदर देखिए LA 7845 का वर्टिकल आईसी मैं मॉडिफाई करके लगाया। ये पोजीशन पर जो वर्टिकल आईसी मिलता है ओरिजिनल एलजी सेट का अंदर 4863 4865 इस तरह आईसी। ये आईसी मॉडिफाई प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहता है तो ये वीडियो का प्लेलिस्ट जरूर चेक।